सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 3 जो कि कक्षा छठी के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है विज्ञान विषय से। और आज इसमें हम बहुत ही एक अच्छे विषय पर बात करेंगे। तो चलिए जल्दी से बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों, आपका अपना विद्यालय में स्वागत है, आपके अपने विद्यालय में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके स्वागत के लिए हम सब ने पूरी तैयारी की थी, लेकिन COVID-19 के कारण ये संभव नहीं हो पाया। यानी जुलाई में जब आप वापस आएंगे तो हमने स्वागत करने के लिए बहुत इंतज़ाम किए थे, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया COVID-19 की वजह से। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम अलग अलग गतिविधियों की सहायता से विद्यालय में होने का अनुभव आपको कराएंगे। आइए इन गतिविधियों का आनंद लीजिए। आपको करना क्या है, उन 10 वस्तुओं की सूची बनाइए जो आपने अपने पहले वाले विद्यालय में देखी थी और आप अब आपके इस नए विद्यालय में भी देखने को मिल सकती हैं। इन वस्तुओं का चित्र भी बनाना है, याद रखिएगा। तो कोई भी 10 चीज़ें जो आपने पहले भी देखी हो विद्यालय में और अब भी देखना चाहते हैं और देखने को मिल सकती हैं, तो आपने उसको लिखना भी है और उनका चित्र भी बनाना है। तो चलिए हम कोशिश कर लेते हैं, क्योंकि चित्र बनाना मेरे को तो इतना अच्छा आता नहीं, मैं जानता हूँ आपको बहुत अच्छा आता है। तो चलिए कुछ चीज़ों का नाम लिखते हैं और उनकी चित्र बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे पहले नंबर पर तो अध्यापिका बनी हुई हैं और उनका चित्र भी आप अच्छे से बना सकते हैं। दूसरे में हम लिख सकते हैं ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, तो इसका चित्र कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। यहां पर आप कुछ कलर कर दीजिएगा और ठीक है। फिर तीसरे नंबर पर हम लिख सकते हैं मेज, मेज इस तरीके से हम कुछ बना सकते हैं। देखिए बार बार कह रहा हूँ, मेरी राइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, आप उसको मेरे से बेहतर बना सकते हैं। इस तरीके से हम मेज बना सकते हैं। फिर चौथे नंबर पर हम कुर्सी लिख सकते हैं, इस तरह से आप कुछ बना दीजिए कुर्सी का चित्र, ठीक है। फिर पांचवें नंबर पर हम चौक लिख सकते हैं, जो कि पहले भी हमने देखे हैं और अब भी हमें देखने को मिल सकते हैं। तो चौक इस तरह से हम बना सकते हैं वाइट कलर की। फिर छठे नंबर पर हम लिख सकते हैं डेस्क। भाई डेस्क आपके स्कूल में बहुत बढ़िया बढ़िया हैं, आप डेस्क का चित्र देखिए। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा बनाना आता नहीं, लेकिन मैं फिर भी एक कोशिश कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर उसकी मेज़ और यहाँ आपकी सीट होती है, देखिए मैं सिर्फ को बहुत ज़्यादा अच्छा बन नहीं पा रहा है, तो आप इसको बहुत मुझसे अच्छा बनाइएगा और बहुत ही सुंदर बना के भेजिएगा। फिर सातवें नंबर पर हम लिख सकते हैं स्कूल बैग, जो कि पहले विद्यालय में भी आपको देखने को मिला हो और अब भी देख सकते हैं। स्कूल बैग तो आप बहुत बढ़िया बनाइएगा, क्योंकि आप सबके पास मैंने देखा है बहुत ही बढ़िया बढ़िया बैग्स होते हैं। इस तरीके से हम बना दें और उसका टांगने वाला, और यहाँ पर हम उसको बहुत ही सुंदर किसी का लोगो बना सकते हैं या एडिडास लिख सकते हैं, एडिडास पूरा तो आ नहीं रहा, इस तरीके से हम बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ बहुत उसकी कुछ पॉकेट्स बना दीजिएगा इस तरीके से। और फिर एट नंबर पर हम लिख सकते हैं इरेज़र, जिसको हम रबड़ भी बोलते हैं, जो मिटाने वाला होता है ना, ये भी हमें देखने को मिलता है। तो इसका चित्र हम कुछ इस तरीके से बना सकते हैं क्या, ऐसे कुछ इस तरीके से आप इसका रबड़ का चित्र बना सकते हैं।
फिर इसके बाद नंबर नौ। नंबर नौ पर हम लिख सकते हैं आपकी कॉपियाँ, कॉपी वो तो आराम से बनाई जा सकती है। देखिए इस तरीके से बना दें और इस तरीके से, और बीच में यहाँ पे कुछ लिखा हुआ भी होना चाहिए इस तरीके से, ठीक। और आखिरी में हम, जैसे आपने देखा होगा आपके स्कूल में ड्राइंग रूम भी होगा जहाँ ड्राइंग बनाते हैं, वहाँ पर आपने कैंची देखी होगी, तो इस बार भी देख सकते हैं। मतलब मैंने तो ये सजेशन दी है, आप अपने हिसाब से भी बनाएं और उसको लिखने का प्रयास करें, ठीक है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट, लेकिन मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए और जल्दी से जल्दी इसे 50K तक पहुँचा दीजिए। लेकिन याद रखिएगा कोरोना अभी भी फैल रहा है, तो बाहर जाते समय अपना मास्क अवश्य लगाएं और जब भी इसका टीकाकरण हो उसका टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।